नमस्कार, मैं हूं अली। आपके अपने YouTube चैनल एपी ब्रदर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ई पास बनाने बताऊंगा, जिसकी मदद से आप झारखंड में एक राज्य से दूसरे राज्य में, झारखंड के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या फिर एक ही ज़िला में अपना आना जाना कर सकेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ई पास बनाने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पे होना और एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। यह ई पास 8 तरह के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा, जिसमें सबसे पहला ग्रोसरी सप्लायर जो किराना सप्लाई सामान का सप्लाई देता है, दूसरा मेडिकल सप्लायर्स जो होते हैं जो चिकित्सा आपूर्ति करता है, तीसरा है एसेंटल सप्लायर्स, चौथा एसेंटल सर्विस वाले जो अति आवश्यक सेवा प्रदान करता है, पांचवा है गवर्नमेंट ड्यूटी जो गवर्नमेंट ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं, छठा है मेडिकल इमरजेंसी वाले जो हैं, सातवां है ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ फैमिली मेंबर जिनके परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना हो, आठवां है ड्यू टू डेथ अगर किसी कारणवश किसी की मृत्यु हुई है और आपको उसके अंतिम संस्कार या जनाजे में जाना है तो उसके लिए आप इससे यहाँ से अपना ई पास बना के जा सकते हैं। तो यह मेरे ख्याल से सरकार द्वारा उठाया हुआ बहुत ही अच्छा कदम है जो कि कोरोना वायरस की इस महामारी में आप तक राहत पहुंचाने में मददगार साबित हुआ है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल पे नॉर्मली अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा। अब क्रोम ब्राउज़र जैसे ही ओपन हो जाएगा आप इसके सर्च बार पर सर्च कीजिएगा झारखंड ई पास मैनेजमेंट या फिर ई पास झारखंड .nic.in, ये लिख करके सर्च कीजिएगा। ये लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से आराम से जा सकते हैं। तो आप जैसे ही ये लिखिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए तो आपके सामने इस तरह का लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, और अगर नए हैं तो देखिए यहाँ न्यू रजिस्टर हेयर पे क्लिक कीजिएगा, या तो फिर यहाँ से मेन्यू में क्लिक करके यहाँ देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको बोलेगा कि एंटर मोबाइल नंबर, तो आपका जो मोबाइल नंबर है जो अभी एक्टिव है वो वाला मोबाइल नंबर जो है इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद आप तुरंत सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने पर आपको बोलेगा फिर से उसी नंबर को डालने के लिए, तो आप यहाँ पे फिर से आप अपना उसी नंबर को डाल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद आप सबमिट पर फिर से क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आपको बोलेगा एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे आपको इसमें अल्फाबेट भी होना चाहिए, नॉमरिकल भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जिसके वजह से आपका क्या ये स्ट्रांग हो जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। देखिए पासवर्ड मैं एक बार जनरेट किया, इनके बाद फिर से आपको बोल रहा है कन्फर्म योर पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड को फिर से कन्फर्म कर लीजिए। लिखने के बाद फिर से आप कंफर्म कर लीजिए। देखिए अब क्या हुआ, आपका आईडी बन गया, ठीक है। इनके बाद आप यहां पे अपना जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड को एंटर कर लीजिएगा। और यहां जो कैप्चा कोड है ये देख करके आराम से डाल लीजिएगा, ठीक है। ये डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 21% आपका प्रोसेस हो गया है, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखा रहा है ना, इनके बाद दो चीज़ आपका पेंडिंग दिखा रहा है, एक देखिए यह पर्सनल डिटेल पेंडिंग है और डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, हाँ। तो ये चीज़ जो है हम लोग अभी यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर जा करके यहाँ पर
आपको पूछेगा आपका नाम, ठीक है? तो नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं अपना नाम लिख दिया, ठीक है। इनके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो जा करके मैं यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए आराम से आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब क्या, अपना जेंडर, जेंडर के बाद आपके फादर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फादर का नाम डाल दीजिएगा। इनके बाद आपका नेशनलिटी ऑलरेडी से रहेगा, इनके बाद एड्रेस आपका मांगेगा, ठीक है। तो एड्रेस में आप लिख दीजिएगा अपना एड्रेस, ठीक है। पुलिस स्टेशन भी आप अपना लिख दीजिएगा। इनके बाद लिखिएगा अपना डिस्ट्रिक्ट, इनके बाद अपना पिन नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने एड्रेस पे क्या डालिएगा, अपना विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन नंबर। ये डालने के बाद आप देखिए स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेट में आप अपना स्टेट झारखंड सेलेक्ट कर लिए, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनके बाद फिर से अपना पिन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। पिन नंबर डालने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल सक्सेसफुल अपडेटेड, ठीक है, ये हो गया। इनके बाद और एक चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, या यहाँ पे देखिए ना सेलेक्ट कर लीजिएगा, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पासवर्ड है, पैन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें से जो भी आपके पास होगा आप उस पर क्लिक करके आप उसका नंबर यहाँ पे पहले डाल दीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। डाल लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ चूज फाइल में क्लिक करके जो आईडी का नंबर आप डाले हैं, जैसे कि पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस का, वोटर कार्ड होगा तो वोटर कार्ड का, आप उसको जो है क्या कीजिएगा, उस फाइल को आप क्या कीजिएगा यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा फ़ोटो खींच के, ठीक है। 1 MB का होना चाहिए, ठीक है, या 1 MB से कम भी रहेगा तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड को अपलोड कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेटेड लिखा हुआ आ गया। देखिए अब इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रोसेस जो है 100% दिखा दिया। अब ये मत समझ लीजिएगा 100% हो गया मतलब मेरा बन गया, अभी तो मेन काम बाकी है, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में दिया हुआ है ई पास, है ना, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सबसे ऊपर में रिक्वेस्ट ई पास पे, ठीक है। ये देखिए रिक्वेस्ट ई पास पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर तो रिक्वेस्ट ई पास पे क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका जो ज़िला है वो ज़िला को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनके बाद टाइप ऑफ ई पास में देखिए 4 तरह का ऑप्शन दिख रहा है। पहला आउटसाइड झारखंड, झारखंड के बाहर जाने के लिए।
दूसरा दे रहा है इनसाइड झारखंड, मतलब झारखंड के अंदर आने के लिए। इनके बाद दिया है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विथिन झारखंड, मतलब झारखंड के अंदर ही एक जिला से दूसरा जिला में जाने के लिए। इनके बाद विथिन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, मतलब एक ही जिला में आपको इधर उधर आने जाने के लिए। तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई एक, आपको जहाँ जो अच्छा लगे वो। इनके बाद सेव में क्लिक कर दीजिएगा। सेव में क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह का फिर से दिखेगा। यहाँ पे देखिए करंट एड्रेस में आप अपना अभी जहाँ पे हैं वहाँ का एड्रेस को भर दीजिएगा, ठीक है। इनके बाद आप देखिए आपका विजिटिंग स्टेट पहले से चूज़ किया हुआ दिख रहा है, इनका विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट भी पहले से चूज़ किया हुआ दिख रहा है। इनका विजिटिंग एड्रेस में जो है आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस भर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे वहाँ का आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आप चले आइए नेक्स्ट में, ई पास कैटेगरी। आप किस तरह का ई पास बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ देखिए 8 तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए, सेंट्रल सर्विस के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो इसमें से जो आप जिसके लिए बनाना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया हूँ। टाइप ऑफ जर्नी, यहाँ पे देखिए आपका दो तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया है वन वे, दूसरा दिया है विजिट एंड रिटर्न। वन वे में आप सिर्फ जा सकते हैं और विजिट एंड रिटर्न में आप जाके फिर दोबारा वापस आ सकते हैं। इनके बाद दिया है रिक्वेस्ट शेड्यूल, आप जो जाएंगे वो तारीख यहाँ पे अपना दे दीजिएगा, ठीक है, जिस दिन आप जाइएगा वो तारीख। इनके बाद रिक्वेस्ट शेड्यूल टू, मतलब आपका आने का फिर तारीख नेक्स्ट में दे दीजिएगा, यहाँ पे आने का तारीख दे दिया। इनके बाद दिया है टाइप ऑफ व्हीकल, मतलब आप कौन सा तरह का वाहन से जाएंगे, पहला टू व्हीलर दिया है, दूसरा फोर व्हीलर दिया है, तो हम यहाँ टू व्हीलर से जाएंगे। इनके बाद दिया नंबर ऑफ पर्सन, आप कितने लोग जाएंगे, तो एक आदमी यहाँ करेंगे, ठीक है। इनके बाद अपना गाड़ी का नंबर यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। इनके बाद लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट में जाइएगा, वहाँ पे दिया है रीजन, ठीक है, रीजन फॉर ई पास। तो आप किस लिए ई पास बनवा रहे हैं उसका रीजन यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। इनके बाद सबसे नीचे में देखिए व्हीकल डॉक्यूमेंट्स में आप अपने गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए, 10 MB अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो PDF में मैं यहाँ पे बना के रखा था, वो चूज कर लिया। इनके बाद डिक्लेरेशन में आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है, ये 5 में आप राइट टिक कर दीजिए, 5 में राइट टिक कर दिए। इनके बाद आपको बस सेव में क्लिक कर देना। आप सेव में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने लगेगा, और अपलोड होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर ई पास हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एड हो गया है। तब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर से यहाँ पे जाइएगा ई पास में क्लिक कीजिएगा। इनके बाद देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से आप अपना व्यू पास में क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, व्यू पास में क्लिक कीजिएगा। अगर आपका पास बन गया तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, व्यू में क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे दिखेगा। अभी रिक्वेस्ट डाला हुआ है तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, अगर आपको अपना पास डाउनलोड करना है तो यहाँ देखिए डाउनलोड के पास में क्लिक कर दीजिएगा। तो अभी मेरा अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव हो जाने पर यहाँ पर हमको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो अभी नहीं हुआ है तो हो जाएगा, 6 से 24 घंटे के अंदर में अप्रूव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को ये बताओ कि कितना आसानी से ई पास जनरेट किया जा सकता है।